गुड इवनिंग गाइस, दिस रजा एंड यू वाचिंग माय चैनल जाना मुसा। फिर आज 26 अगस्त 2020 और टाइम हो रहा है शाम के 7:30, यानी शाम के 7:30 बज रहा है। बेसिकली आज की वीडियो में हमें अनबॉक्स करना था ये वाला बॉक्स बैग, ये वाला जो बैग आया है बहुत दिन के बाद, लेकिन किसी कारणवश हम उसको अब अनबॉक्स नहीं कर पाएंगे। कल करेंगे या कल की बात किसी और वीडियो में हम करेंगे इसको अनबॉक्स। बेसिकली इस बॉक्स में है कि हम आपको बता ही देते हैं, एक्शन कैमरा होता है, जैसे कि जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं छोटा वाला कैमरा होता है एक्शन कैमरा, उसका जो एसेसरीज़ होता है बहुत सारे एसेसरीज़ होते हैं, जैसे कि हाथ में लगाने वाला, हेलमेट में लगाने वाला, सर में लगाने वाला, चेस्ट पर लगाने वाला, मतलब माउंट होता है हर तरह का। तो वो सारे पूरे किट हैं इस बॉक्स के अंदर, 61 in 1 पीस है। और क्या है बाकी डिटेल बाद में बताएंगे जब इसका अनबॉक्स करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपसे एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत दिन से मेरे मन में खलबली मचा रही थी कि आपसे एक बार बात करके देखते हैं कि आप लोग का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो सवाल है काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था और आज लगा कि आपसे बात करते हैं और बात करके देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में जो हम बात अभी आपसे बोलने वाले हैं। तो वो बात कुछ ऐसी है कि इस बात की शुरुआत हम इस चीज़ से करते हैं कि हु इज़ गॉड, मतलब गॉड क्या है, मतलब कौन गॉड है, हु इज़ गॉड। तो गॉड की जो डेफिनेशन है जो हम सबको पता है कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ अबव ऑल, गॉड सीज एवरीथिंग, मतलब हर आदमी पर हर वक्त निगाह रखता है गॉड, गरीबों की मदद करता है, भूले भटकों को रास्ता दिखाता है और अकेलों का सहारा है। तो ये सब कुछ डेफिनेशन है जो हम जानते हैं गॉड के बारे में। सो व्हाट आई थिंक कि आज के ज़माने में गॉड कौन है, मतलब उसकी जगह तो नहीं कहेंगे, उसकी बराबरी कौन कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ है इंटरनेट। थोड़ा सोचिए आपकी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद ही सोचिए कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं गॉड में और इंटरनेट में। गॉड ऊपर है तो इंटरनेट किधर है, ऊपर है, सैटेलाइट से आ रहा है, आसमान में है। ये कहना भी ज़्यादा गलत नहीं होगा कि आज का खुदा इंटरनेट है, मतलब कि इंटरनेट इज़ द गॉड ऑफ टुडे सेंचुरी, मतलब आज के ज़माने का जो गॉड है, खुदा है, वो इंटरनेट है। क्यों, कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसे, लेकिन आप सिर्फ गौर करिए कि दोनों चीज़ों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। सेकेंड थिंग, इंटरनेट सबको देखता है जिस तरह गॉड सबको देखते हैं। इंटरनेट मैप के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू सबके सब पर नज़र है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हालांकि लाइव मैप की अभी फैसिलिटी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन कुछ टाइम में वो भी आ जाएगी। भूले भटकों को रास्ता दिखाने वाला क्या है, मैप है, गूगल मैप। जिस तरह खुदा दिखाता है भूले भटकों को रास्ता, उस तरह आजकल इंटरनेट दिखा रहा है भूले भटकों को रास्ता। ये थी दो चीज़ें। तीसरी चीज़ हमें क्या लगती है सिमिलैरिटीज़, इंटरनेट इज़ नॉट विजिबल। क्या आप इंटरनेट को देख सकते हैं, खुदा की तरह, गॉड की तरह इंटरनेट भी इनविजिबल है, मतलब इंटरनेट को हम देख नहीं सकते, उसकी स्पीड देख सकते हैं, उसके प्रोवाइडर्स देख सकते हैं, उसके सर्वर देख सकते हैं, उसकी मशीन देख सकते हैं। जैसे खुदा की मशीन क्या है, इंसान। खुदा की जो उपलब्धियां क्या है, नेचर। उसी तरह इंटरनेट है, इंटरनेट के बहुत सारे सर्वर हैं, इंटरनेट का जो मशीन है, इंटरनेट के जो प्रोवाइडर हैं, मतलब इंटरनेट का जो मैसेंजर है वो क्या है, मतलब जो मीडियम है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी कनेक्शंस हैं जो इंटरनेट की सर्विस हम तक पहुंचाते हैं वो क्या है, मैसेंजर ही तो है, मैसेंजर ही कहेंगे एक तरह से। तो ये तीसरी चीज़ ऐसी है जिसमें हमें ये लगता है कि गॉड इंटरनेट में कितनी सिमिलैरिटीज़ है। चौथी चीज़ हमें क्या लगती है कि आज के ज़माने में हमारी जो पूरी डिटेल्स है वो किसके पास है, हमारी जानकारी, हमारा घर का पता, हमारे मोबाइल का पता किसके पास है, इंटरनेट के पास है। उसी तरह खुदा के पास, गॉड के पास हमारे सब चीज़ है, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिटेल्स उसके पास सेव है। ठीक इसी तरह इंटरनेट पर भी हमारी सारी डिटेल्स आजकल सेव हो चुके हैं, फिंगरप्रिंट से लेकर रेटिना स्कैन से लेकर पूरे बॉडी में सर से पैर तक हर एक चीज़ का लिखा जोखा इंटरनेट पे मौजूद है। और ये चौथी सिमिलैरिटीज़ है गॉड और इंटरनेट की। तो जब इंटरनेट हमारे लिए इतना काम करता है, इतनी मदद करता है, गॉड के लेवल का जो काम है वो करता है, तो क्या हम इसको कुछ समझे नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कहाँ इंटरनेट और कहाँ गॉड,
लेकिन दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से आप भी ज़रा गौर करिएगा कि इंटरनेट का हमारी ज़िंदगी में कैसा असर पड़ रहा है। क्या हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट गॉड की तरह नहीं है? मेरे मोबाइल में एक ऐसा ऐप है जो डिजिटल मॉनिटर करता है कि हम कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमने ये पाया कि 9.5 घंटा एवरेज वीकली हमने निकाला, तो 9.5 घंटा एवरेज दिन में हम मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल मतलब इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बिना मोबाइल कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, इतना टाइम हम इसको देते हैं तो क्या हम इसको कुछ समझ नहीं सकते? तो यही मेरा मानना है कि क्या एक गॉड की तरह हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट नहीं जी रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है? और क्या हम इंटरनेट को 21st सेंचुरी का गॉड कह सकते हैं या नहीं? ये सवाल है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपके दिमाग में चीज़ हो रही, क्योंकि हम सब अलग अलग तरह के लोग हैं लेकिन दिमाग सबके पास है और सब अलग अलग तरह सोच सकते हैं। तो आपकी सोच क्या है वो हमें बताइए, तो हम ज़रा जानेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरफ और मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है कि हम किस चीज़ की पूजा करते हैं। मतलब हम लोग, हम इंसान ऐसी चीज़ की पूजा करते हैं जिसके पास इमेंस पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है। फिर वो चाहे हमारे कोई पूर्वज इंसान हो जो जिनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, या फिर कोई एक जानवर हो, या फिर कोई एक नेचुरल एलिमेंट है जैसे कि सूरज। सूरज के पास कितनी पावर है, स्टोन मजबूत है, फायर, ये सब चीज़ों की पूजा होती है। लेकिन आप देखिए कि इंटरनेट के पास कितनी ज़्यादा पावर है लेकिन कभी कोई इसको पूछता नहीं है। मतलब नो वन इज़ प्रेइंग इंटरनेट। तो आप भी सोचें कितना फुलिश सवाल है कि वाई डू आई प्रे इंटरनेट। ये सारी बात का जो लेखा जोखा है इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाह रहे थे, जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से भटक रहा था, तो हमने बता दिया। और अब आपका काम है कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में, इस मसले के बारे में। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी थी, एंड विद दैट सेट क्लोजिंग दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अनजाना मुसाफिर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और हाँ, पानी पीते रहना क्योंकि जल ही जीवन है। और ये जो हमने लाइट लगाई है, आज पूरा दिन इसी में चला गया लाइट लगाने में। अपने से लगाइए, काफ़ी मेहनत करके लगाइए। बाय।